प्रमुख संगठन था उसके मुख्यालय गैट का गेट मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा 1947 में जी एट देशों की स्थापना कब हुई? तो 1975 में। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा 1964 में। देशों की स्थापना इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय 1975 में मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन 1945 में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO कहाँ स्थित है? रोम 1945 ईस्वी में स्थित है। में खाद्य एवं कृषि संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा 1948 में। विश्व स्वास्थ्य रेड क्रॉस का मुख्यालय तो जिनेवा 1863 में। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन 1945 ईस्वी में। विश्व बैंक G15 देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा 1989 में। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा 1995 में। नाटो देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स 1949 में। व्यापार संगठन सार्क देशों का मुख्यालय तो काठमांडू 1985 ईस्वी में। सार्क देशों का काठमांडू नेपाल में है। सेल्स में अब चलिए इससे आगे देखते हैं। सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू 1985 में। एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मनीला 1966 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग नीदरलैंड में 1946 में। इंटरपोल कहाँ स्थित है? तो पेरिस। इंटरपोल कहाँ स्थित है? तो पेरिस 1923 में। महिलाओं को मताधिकार देने वाला प्रथम देश तो न्यूजीलैंड। लोकपाल नियुक्त करने वाला प्रथम देश तो स्वीडन। कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश तो न्यूजीलैंड। परिवार नियोजन लागू करने वाला प्रथम देश तो भारत। परिवार नियोजन लागू करने वाला संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश तो अमेरिका। प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश तो ऑस्ट्रेलिया। कागज मुद्रा आविष्कार करने वाला प्रथम देश तो चीन। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला मिस कैरोलिना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेवई है। माउंट एवरेस्ट इसके बाद चलिए आगे देखते हैं कुछ साइंस का क्वेश्चन। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो फैराडे का नियम। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हीलियम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो स्नायु कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो स्नायु कोशिका। रेडियो धर्मिता की खोज तो हेनरी बेकुरल। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुदेदार पुष्पासन। मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मधुमेह में प्रभावित होता है अग्नाशय। दूरदृष्टि दोष के लिए पीड़ित व्यक्ति को तो 25 सेंटीमीटर कौन सा एक जल जनित तो हैजा रोग है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का तो कम घनत्व। ओम किसकी इकाई है? तो प्रतिरोध की इकाई है। वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का? तो ऑडियोमीटर का। पॉजिट्रॉन की खोज तो एंडरसन ने। रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज वाशिंग मशीन की कार्य प्रणाली की सिद्धांत पर तो अपकेंद्रण पर। चलिए आगे देखते हैं। कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। आधुनिक अवसरी परमाणु क्रमांक पर नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सा फसल सहायक है? तो बीन्स की फसल सहायक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।